हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स 29 नवंबर के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि वर्ष 2018 के 28वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह है मनीषा कुलश्रेष्ठ, जिनको 28वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि 2018 के बिहारी पुरस्कार से। आज का हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति होंगे। ये चार ऑप्शन है, एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जनरल दलबीर सिंह, जनरल बिपिन रावत, एडमिरल करमबीर सिंह। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहली बार इस पद का सृजन जो है वो किया गया है, पद पहली बार गठित किया गया है। आपको कमेंट करके सही आंसर इसका बताना है। गाइज, हमारी मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की सीरीज कंटिन्यू सक्सेसफुली रनिंग है, और ये देख सकते हैं जुलाई 2019 का जो टेस्ट है वो आज लाइव हो जाएगा 12 बजे तक। ठीक है, ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, 50 FLTs में होंगे। मध्य प्रदेश जी के साइंस सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट सीरीज हैं, और भी बहुत सारी व्यापम की सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो है हम डिस्कस करते हैं, किस प्रदेश सरकार ने हाल ही में 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित कराने का निर्णय लिया है। तो 5वीं और 8वीं, ये ध्यान रखना है आपको, 5वीं और 8वीं कक्षा की जो परीक्षाएं वो अब बोर्ड पैटर्न पर, यानी कि बोर्ड कराएगा, मध्य प्रदेश का इसका सही आंसर है, और मध्य प्रदेश बोर्ड जो है वो अब इसको परीक्षाओं को आयोजित कराएगा। और मुख्य परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों के लिए शिक्षकों की अतिरिक्त क्लास भी लगाई जाएगी, इसके बाद फिर से उनकी परीक्षा होगी। अगर इस परीक्षा में भी छात्र फेल हो गया तो फिर से उसे दोबारा उसी क्लास में पढ़ना होगा, मतलब एक मौका तो उसको दिया ही जाएगा। अभी तक क्या होता था कि ये शिक्षा विभाग जो है उसने बच्चों पर परीक्षा के बढ़ते मानसिक दबाव को देखते हुए 2009 में 5वीं और 8वीं कक्षाओं को बोर्ड से अलग कर दिया था। तो इससे एक नुकसान हुआ था कि जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं वो पूरे तरीके से, बच्चा तो देखिए 8वीं क्लास का जो बच्चा है वो उतना सीरियस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अभिभावक जो हैं वो भी पूरी तरीके से लापरवाह हो चुके थे। अब क्या है, बच्चा अगर फेल होगा तो उसकी पढ़ाई पे ढंग से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से ठीक निर्णय भी है। और मध्य प्रदेश में अभी जो कक्षा 5वीं और 8वीं की क्लास है उन बच्चों को फेल नहीं किया जाता, उनको एक एवरेज मार्क्स से हमेशा पास कर दिया जाता था, तो फेल होना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। गाइज, हमारी ये टेस्ट सीरीज जो है 10 फुल लेंथ टेस्ट में है, ये आप ले सकते हैं, हिंदी में अवेलेबल है, और MPPSC मॉक टेस्ट के नाम से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसका सिर्फ अब एक दिन बचा है, सिर्फ आज है, कल इसकी जो प्राइस है वो मैं बढ़ा दूंगा। अगला प्रश्न है, कहाँ सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की मौजूदगी में 2 स्पाइक LR एंटी टैंक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है। तो सेना प्रमुख कौन है, जनरल बिपिन रावत, उनकी मौजूदगी में ही हुआ है। हमारा जो इंदौर में जो महू है, वहाँ छावनी जो है सेना की, वहाँ पर ये जो सफल परीक्षण जो है वो किया गया है, और महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल जो है उसमें 2 स्पाइक LR एंटी टैंक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल जो है वो 4 किलोमीटर तक सटीक निशाना भी लगा सकती है, और ये जो मिसाइलें हैं इनको पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के समीप जो पश्चिमी सीमा है उस पर इनको तैनात किया जाएगा। और इन मिसाइलों की खासियत है, उड़ान के दौरान ये लक्ष्य की दिशा को बदल भी सकती हैं, ठीक है, थीके? और ये इजराइल से ये एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल खरीदी गई हैं, और एक्चुअल में क्या था, DRDO द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी जो मिसाइलें हैं उनको मिलने में देर हो रही थी, इसलिए ऐसी 210 मिसाइल जो है वो हमने इसराइल से खरीद ली है, ठीक है। और इनके साथ साथ 12 लॉन्चर भी दिए गए, चूंकि मिसाइल है तो लॉन्चर भी रहेगी, और इन मिसाइलों को पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाना है। सेना की 2 साल में होने वाली 3 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस कब से प्रारंभ हुई है, तो देखिए ये सेना की मतलब 2 साल में एक बार ये होती है कॉन्फ्रेंस, और ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, तो ये भी आपकी कहाँ पर हो रही है, महू में हो रही है, ठीक है। और इसमें थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सहित सेना के अन्य अधिकारी भी इंदौर के महू में आए हुए हैं। कॉन्फ्रेंस में देश भर के उच्च पदों पर जो उच्च पदों के जो कमांडर हैं पूरी अलग अलग सेना के अलग अलग जगह पर, ठीक है, वो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो 3 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस है 26 नवंबर से प्रारंभ होकर 29 नवंबर तक चली है, ठीक है। तो 26 नवंबर से ये प्रारंभ हुई थी और 29 नवंबर तक ये चली है, मतलब 3 दिवसीय है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यंगेस्ट एक्टिवेटर के रूप में हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली किस जिले की 3 वर्षीय शंजन थम्मा ने से मंत्रालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुलाकात की है। तो देखिए ये जो है आपकी शंजन थम्मा, ठीक है, ये रहने वाली हैं उज्जैन की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। सिर्फ 3 साल की हैं, लेकिन इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हाल ही में
बनाया है और ये दोनों हाथों से लिख सकते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए, दोनों हाथों से जो लिखने वाला व्यक्ति होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो आपका इंग्लिश के जो वन लाइनर्स होते हैं उनमें ये पूछा जाता है। ठीक है, वन वर्ड्स जो होते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए। देखिए, इन्होंने दोनों हाथों से एक तो लिख सकती हैं, इसके अलावा 247 देशों में से 235 देशों के जो नाम हैं और उनकी जो राजधानियां हैं वो इनको याद है। ठीक है, और 11 महीने की ही होने पर वह दोनों हाथों से लिखने लगी थी। इनका पहला रिकॉर्ड 2 साल 11 महीने की जब ये थी तब बना था, जब उन्होंने दोनों हाथों से फटाफट लिखकर दिखाया था। दूसरा रिकॉर्ड जो है वो कम उम्र में राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान के साथ सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे गीत सुनाने के कारण इनको बनाया था। इनको वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल चुका है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने की जो अंतिम प्रक्रिया है वो भी इनकी चल रही है, मतलब इस रिकॉर्ड में भी इनका नाम जो है वो दर्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुपोषण के शिकार बच्चों की सेहत में सुधार के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में कितने डे केयर सेंटर आंगन खोले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यह है डे केयर सेंटर है, तो डे केयर सेंटर का नाम क्या है, तो डे केयर सेंटर का नाम है आंगन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, ये नाम ये पूछा जा सकता है कि जो डे केयर सेंटर है वो किस नाम से जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज है ये कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं उनके लिए बनाए जा रहे हैं और ये टोटल बनाए जाएंगे प्रदेश में 3052 डे केयर सेंटर। ठीक है, और स्पेशली कुपोषण के शिकार जो अति कम बच्चे हैं उनकी सेहत में सुधार के लिए ये महिला बाल विकास विभाग द्वारा ये काम किया जा रहा है। चलिए कमेंट करके बताइए, महिला बाल विकास विभाग की मध्य प्रदेश की मंत्री कौन है। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री कौन है, दोनों चीजें कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, मैं आपसे ये जो हर चीज़ बताता रहता हूँ, बार बार बताता हूँ कैबिनेट के बारे में जो है मध्य प्रदेश की, क्योंकि मुझे पता है वहाँ से आप डेफिनेटली जो मिनिस्टर्स करंट में बने रहते हैं वो एक प्रश्न 100% एक या दो प्रश्न जो है वो 100% पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहें कैबिनेट के लिए। कैबिनेट वाला एक वीडियो भी हमने बनाया था कि कौन क्या है, उसमें थोड़ा सा अभी चेंज करना है तो वो चेंज करके जल्द ही मैं आपको दे दूंगा एक वीडियो और। देखिए, इन आंगन केंद्रों में समुदाय स्तर पर अति कम वजन के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल और पोषण प्रबंधन किया जाना है। इस व्यवस्था पर लगभग 4.5 करोड़ रुपए की जो राशि है वो खर्च की जाएगी और प्रदेश के उन आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू किया जाएगा जहां पे अति कम वजन के कुल 5 अथवा उससे अधिक बच्चे हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि मिनिमम जो 5 बच्चे अगर वहां पर हैं तो वहां पर आंगन जो है यानी डे केयर सेंटर है वो शुरू किया जाना है। अगला प्रश्न है, पेयजल योजनाओं की बेहतर प्लानिंग के लिए किससे अनुबंध किया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में ये अनुबंध किया है और ये अनुबंध किया गया है IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, और पेयजल की जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए अनुबंध किया गया है, उनकी बेहतर प्लानिंग के लिए ये अनुबंध IIT दिल्ली के साथ किया गया है। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, देश का अग्रणी संस्थान है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली। एक और चीज मैं आपको बता दूं, घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने करीब 68,000 करोड़ रुपए की विस्तृत कार्य योजना भी बनाई है जिसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, जायका, एशियन डेवलपमेंट बैंक और नाबार्ड से वित्तीय सहायता ली जाएगी। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये जो सहायता है कभी किसी से कितनी सहायता मिलती है वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और सरकार द्वारा एक साल में अब तक 6,000 से अधिक नवीन हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। ये पूरा एक साल का इनका हिसाब किताब है कि इन्होंने क्या किया, तो डेटा जरूर याद रख लें। 600 से अधिक नवीन नल जल योजनाओं के काम पूरे कराकर इन योजनाओं से पेयजल प्रदाय प्रारंभ भी कर दिया गया है और 6,700 से अधिक सिंगल फेज मोटर पंप स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा पिछली सरकार की 3,000 बंद नल जल योजनाओं को फिर से चालू भी कराया गया है। तो इतना जो डेटा है आप याद रखें, पिछले एक साल का इनका डेटा है। अगला प्रश्न है, नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत कितने मीटर से ऊंचे भवनों में फायर ऑफिसर और फायरमैन रखना जरूरी होगा। तो ये ऑप्शन नहीं चेंज हो पाए हैं, ये सही आंसर इसका 15 ही है। और 15 मीटर से ऊंचा अगर भवन है तो उसमें एक फायर ऑफिसर और फायरमैन रखना जरूरी होगा। और ये नगरीय विकास विभाग ने भूमि विकास नियम 2012 में, ठीक है, भूमि विकास नियम 2012 में अहम संशोधन करने जा रहा है। ठीक है, नगरीय विकास विभाग, और इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत हो रहे इन बदलावों के मुताबिक अब तक 15 मीटर से ऊंचे भवनों में फायर ऑफिसर और फायरमैन दोनों को रखना जरूरी होगा और इन लोगों का नगर निकाय में रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। इसके अलावा बहुमंजिला इमारत या बड़े आकार के प्लॉट होने पर होने वाले निर्माण में नक्शे की जो मंजूरी है
उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ फायर इंजीनियर की भूमिका भी शुरू होगी, यानी कि इनको फायर इंजीनियर से उसके सुपरविजन में ये इमारत बनानी होगी और ये आर्किटेक्ट की तरह भवन के लेआउट से ही काम शुरू कर देंगे कि उसको आग से बचाने के लिए और उसमें आग अगर लग जाती है तो उससे बचने के लिए संभव जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे। इमारतों में इनका सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, इनके प्रमाणित करने के बाद ही इमारत की जो बिल्डिंग परमिशन है वो मंजूर होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आप याद रखें कि ये जो नियम हैं ये किन किन भवनों में लागू हो सकते हैं, तो देखिए अगर व्यावसायिक भवन है, कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उसमें 30 मीटर से अगर अधिक ऊंची है तो वहाँ पर फायर ऑफिसर और फायरमैन रखना होगा। आवासीय भवन है उसकी ऊंचाई 60 मीटर से अधिक होनी चाहिए। संस्थागत भवन अगर है तो ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने पर, शैक्षणिक भवन है तो ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने पर, और सभी होटल और शॉपिंग मॉल यहाँ पे तो रखना कंपलसरी होगा ही होगा, ठीक है। तो ये नियम यहाँ इतनी बिल्डिंग हैं इनमें लागू होंगे, ये सब ध्यान रखना होगा। और आपको तो गाइज ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर बहुत कम करते हैं आप लोग, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और जो भी मैं पूछता हूँ उसको कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।